क्या पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यार, इतना अच्छा लग रहा है। सर ये क्या कह रहे हैं, नर्सरी क्लास में जा रहे हैं। प्लान कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, हम डॉन को नहीं ढूंढ पाए। सेफ्टी फर्स्ट। अभी क्या हुआ, हेलमेट का शीशा निकला हुआ है, तो उसका शीशा सही करा के फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं वो सब आगे आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। मैंने निकाल लिया अपनी गब्बर, ये इसका नाम पहले भी गब्बर था तो आज भी गब्बर ही रखते हैं। ये है गब्बर, आप लोगों ने देख ही लिया होगा इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मैंने ये गब्बर अनवील कर दी है। ये हमारी गब्बर, ये स्कूटी। तो हेलो गाइस, आदाब नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होप के सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अरशद, शुएब, क्या हाल है, सुहेल, मैं संगम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ब्लॉग्स। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं सुंदर नर्सरी में, और आज कितना अच्छा लग रहा है भाई, सबके सब साथ में है। आज बड़ी मुश्किल से चारों साथ में है, वरना तो कोई कहीं होता है। पता है मैं, हम सब जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है सुंदर नर्सरी। रुको, सुंदर नर्सरी क्या कह रहे हैं, नर्सरी क्लास में जा रहे हैं। नहीं, वो वाली नर्सरी थी जहाँ पे वो होते हैं ना, पेड़ वेड़ होते हैं, वो उस वाली नर्सरी में जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम आ चुके हैं सुंदर नर्सरी के अंदर। कुछ ऐसा है, अभी तो जैसे ही हमने एंट्री करी है तो सिर्फ हमें पार्क टाइप का दिख रहा है। मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, पहली बार यहाँ पे आया हूँ, और जो भी है आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। आप लोग मेरे थ्रू, मेरे ब्लॉग के थ्रू देखते रहना। और सामने देखो यार, ये है फाउंटेन, छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से पानी कहाँ जाता है, यहाँ पर भी ना सामने कुछ पुराने टाइप का कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे फाउंटेन है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ कहाँ क्या क्या है। बाकी यहाँ पे कुछ कोई लोग आए हुए हैं, मतलब कोई कॉलेज से हैं या कुछ है, वो सब आए हुए हैं। बाकी ये जो ठंड है ना, और इस ठंड में पार्क में बैठो और धूप लो, अच्छा लग रहा है यार। मुझे भी ना अपना फेयरवेल याद आ गया, स्कूल टाइम याद आ गया यार। कॉलेज में तो फेयरवेल कुछ नहीं। मेरी शर्ट कहाँ रखी यार जिसपे लिखा हुआ था। नर्सरी है वो है लेफ्ट साइड में, और अभी चल रहे हैं सामने, क्या बना हुआ है देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये ना टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह, एक पार्क टाइप का है। अगर तूने हुमायूं टॉम देख लिया ना तो खुश हो जाएगा, वहाँ पे ताजमहल का पूरी कॉपी है वहाँ पे, समझ ले। अभी जा रहे हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या है इसमें। वरना सब चीज़ ख़राब हो चुकी है, हुमायूं टॉम में चले जाओ वहाँ भी सारा कुछ ख़राब हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा ठीक है, अच्छी कंडीशन है अभी। कौन सा, नहीं नहीं बस ये निकल रहा है। तो दरवाजे ये तो अभी बने हैं, नहीं यार पुराने हैं भाई, पहले निकलते हैं हम बाहर।
वैसे ये जो जगह है ना वो पिकनिक के लिए बहुत अच्छी है। दोपहर के टाइम आओ, खाना वाना लेके आओ, सर्दियों के टाइम आओ, घर से खाना लेके आओ, यहाँ बैठो आराम से खाओ फैमिली के साथ। भाई साहब जगह देख रहे हो यार, मुझे तो बहुत ही पसंद आई यार ये। यहाँ पे ना सब कुछ अच्छा है देख रहे हो, लेकिन वो जो सामने बना रखा है वो एक बार पेंट हो जाना चाहिए सही से, देखो है ना अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा था सुहेल? बाहर से तो पूरा खाली लग रहा था। सही कह रहा है, बाहर से तो ऐसा लग रहा था कोई अंदर होगा भी नहीं, लेकिन अंदर आके जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पूरा खुला दिख रहा है और इतनी पब्लिक आई हुई है यार। अभी ना कपड़े नहीं उतार सकते यहाँ। अभी पता है संगम मेरे से कुछ कह रहा था, मतलब हम सबसे कह रहा था कि भाई यहाँ पे ना एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए था। लो भाई तथास्तु, वो भी बोरा वो भी मिल गया भाई साहब। ले और कुछ चाहिए? कैंट। और भाई सच बताऊँ, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, नहीं नहीं तू कह रहा था, ये बोल रहे थे, नहीं संगम बोल रहा था कि यहाँ पे ना कुछ खाने की कुछ होना चाहिए, कैंटीन भी ले लो। भाई किसी को करोड़ दो करोड़ रुपये चाहिए क्या? यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। भाई क्या क्या है खाने के लिए? खाने के पिंगल बिस्किट, चोको पाई, फ्रोजन रोल, बस ये है। बर्गर पैटीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं? कैफे वहाँ मिलेगा। कहाँ पे? अच्छा मतलब ये थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटे छोटे बना रखे हैं ना आप, कितने होंगे ये? तीन। अच्छा तीन ही है। भाई साहब बहुत अच्छा बना रखा है यार, मुझे तो लग रही है भूख, मुझे चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीनी, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है। तो अभी जहाँ पे बताया भैया ने कैफ़े बनाया वहाँ जाएंगे। इधर भी बना हुआ है तो। ओहो भाई साहब ये देखिए कुआ, कुआ हाँ वहाँ चलते हैं ना कुआ देखने के लिए, वहाँ पे कुआ। यहाँ पे नहीं है, इधर है, इधर 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 है, इधर है, इधर सूख गया। संगम तुझे याद है हुमायूं टंब में जब हम गए थे तो मैंने बोला था यहाँ पे कुछ बना हुआ था? नहीं 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 जाना नहीं है, नहीं 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 यहाँ पे रोज़ की खेती हो रही है, वहाँ पे मतलब इधर रोज़ की खेती है, इधर कुछ है मुझे नहीं पता, इसका नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे ये किसी चीज़ की खेती है, नर्सरी है ना, तो इस चीज़ के लिए ये फूल, ये पिंक रोज़ है। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ सामने, वहाँ भी देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये क्या है? अच्छा ये अजवाइन है, अच्छा ये मकोई है, हाँ वो जो मोटी मोटी, ये मकोई है ना जो खाते हैं, टेस्ट करूँ? चलो एक कच्ची खा के देख लेता हूँ। थैंक यू यार बताने के लिए, कड़वी भी नहीं है, टेस्ट ही नहीं है इसके अंदर। ये रही लाल, लाल ये रही। ये मकोई है ना सच में? नहीं है मकोई। भैया ये क्या है? सरगंधा है। सरफगंधा, ये सर्फ गंदा है, और इसको ना शायद किसी चीज़ में इस्तेमाल भी करते हो, बहुत चीज़ों में, दवाइयों में ना, मैंने पढ़ा है इसको दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। रोज़ क्या क्या होता है यहाँ पे वैसे नर्सरी में? नर्सरी में ये तो पूरा हर्बल गार्डन है, तो हर्बल का ही सामान इसमें लगा, हर्बल है और अपना ये फ्लावर्स है और बस यही चीज़ है, बस यही, बाकी पार्क है, पेड़ है। भाई अच्छी जगह है, रिकमेंड है यार, आओ। और क्या बताया इसका नाम? हर्फ गंदा, सर्फ गंदा, सर्फ गंदा टेस्ट करता हूँ। ओहो ओहो भाई साहब, ओहो ओहो, अबे क्या खा लिया मैंने, ये सब कुछ कड़वा कड़वा है यहाँ पे। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया पिंक रोज़, यहाँ पे है रेड रोज़, और यहाँ पे भी रेड रोज़ है, वहाँ पे पिंक रोज़ है, और आपको दिखाता हूँ ये देखो, ये है येलो रोज़, ये देखो ये है येलो रोज़, और वो है वाइट रोज़। रोज़ ये लीली लग रहा है, रोज़ है ये ना, पत्तों से पता चल जाता है रोज़ है ये सारा। नहीं, रोज़ नहीं है, रोज़ है यार, रोज़ है सबके यहाँ पता चलता है, लीली अलग होगा रोज़ का, वो शेप देखो,
ये भी शेप वही है, पता है, देख ऊपर देख, ये ना ख़त्म होने पे आ रहा है। इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने एक भाई को जिसने मुझे रिकमेंड करा है सुंदर नर्सरी के लिए, और जिसने रिकमेंड करा है भाई उनका यहाँ पर नाम आ रहा होगा। स्पेशल थैंक है भाई आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर रिकमेंड करा है कि आप वहाँ पर जाके देखो, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। संगम भी थैंक यू बोल, थैंक यू भाई, थैंक यू जिसने रिकमेंड किया यहाँ आने के लिए। हाँ, अभी मेरा फ़ोन ना मेरे पास नहीं है, शुहेब के पास है, मैं देख के नाम बता देता, बाकी नाम ऊपर आया भी होगा। स्पेशल थैंक गंदा सरगंडा सरगंडा। और तूने इसका कैमरा क्यों ऑन कर रखा है? अरे यार इसके अंदर वो निकल रहा है दूध सा, वाइट वाइट, ये ना दवाई है, आ जाओ। खांसी खांसी खत्म हो गई है। हाँ ये दवाई है वाकई में यार, ये दवाई अभी खत्म हो गई इनके खांसी खाया, पेट में गया भी नहीं होगा अभी। क्या पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यार, इतना अच्छा लग रहा है। फूल का नाम है डॉन, ये डॉन है भाई, डॉन मिल गया। क्या बोलते हैं 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, हम डॉन को नहीं ढूंढ पाए। ये देखो डॉन, डॉन 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 मिल गया, ये डॉन है, डॉन मिल गया, डॉन कौन बनेगा डॉन, ये रहा ना, इसका नाम ही डॉन डॉन है।